उन महान शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन लोगों ने तप, त्याग और बलिदान से आज़ादी दिलवाने का काम किया, उनको मैं नमन करता हूँ। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न की घोषित की है, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी को पद्म भूषण का घोषित किया है। और यह हमारा तिरंगा हमेशा शान शौकत के साथ फहरता रहे, इसके रक्षा और सुरक्षा के लिए हम तमाम लोगों की एकजुटता, एकता की कामना करता हूँ। ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये लाखों हज़ारों लोगों की कुर्बानी के बाद मिली है। इसको न्यायोचित हम लोग समझें, न्यायोचित करने का हमेशा प्रयास करें, देश के प्रति वफादारी निभाएं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राज मोहन तिवारी। आज 26 जनवरी की तारीख यानी 75वां गणतंत्र दिवस, और इस मौके पर तमाम जो बिहार के सियासी बड़े नेता हैं उनके तरफ से भी झंडोत्तोलन किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीधे विधान मंडल से निकलकर सामने आ रही हैं। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आपको नजर आएंगे, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर आपको दिखाई देंगे। दोनों ने ही झंडोत्तोलन वहाँ पर किया है, झंडे को तमाम जो वहाँ के सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने सलामी दी है। खुद आपको अवध बिहारी चौधरी और देवेश चंद्र ठाकुर भी झंडे को सलामी देते नजर आएंगे। 75वें गणतंत्र दिवस का आज दिन है, और ऐसे में एक तरफ राजधानी पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल तिरंगा फहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां भी आज झंडोत्तोलन करते अपने अपने कार्यालय में नजर आ रही हैं। लेकिन बिहार विधानमंडल की यह तस्वीर है, और झंडोत्तोलन के बाद बिहार विधान सभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। आज 75वां गणतंत्र दिवस है, और आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, बिहारवासियों को अपने तरफ से शुभकामना और बधाई दे रहा हूं, और उन महान शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन लोगों ने तप, त्याग और बलिदान से आज़ादी दिलवाने का काम किया, उनको मैं नमन करता हूं। और हम तमाम लोग एकजुट रहें, एक रहें, और यह हमारा तिरंगा हमेशा शान शौकत के साथ फहरता रहे, इसके रक्षा और सुरक्षा के लिए हम तमाम लोगों की एकजुटता, एकता की कामना करता हूं। और पुनः मैं इसे अपने तिरंगे को सैल्यूट करता हूं। उन तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को, पूरे बिहारवासियों को हम बिहार विधान परिषद की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं, और उन्हें याद दिलाते हैं कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये लाखों हज़ारों लोगों की कुर्बानी के बाद मिली है। इसको न्यायोचित हम लोग समझें, न्यायोचित करने का हमेशा प्रयास करें, देश के प्रति वफादारी निभाएं और ईमानदारी से देश प्रेम में लगे रहें। लोगों को पद्म भूषण मिला है बिहार के, सभी लोगों को मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न की घोषित की है, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी को पद्म भूषण का घोषित किया है, सुरेंद्र किशोर प्रसिद्ध जो पत्रकार हैं उनको भी पद्म भूषण, और जिनको भी और दिया है उन्हें भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इन सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो अभी आपने देखा और सुना भी क्या कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया है। देखिए बिहार में कई सियासी कयासबाजियों का दौर चल रहा है, सरकार रहेगी या जाएगी, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच आज 75वां गणतंत्र दिवस, और इस मौके पर विधानमंडल की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। इसके अलावा जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने
सीएम आवास में झंडोत्तोलन किया है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार झंडे को सलामी देते आपको नजर आएंगे और इस मौके पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। तो एक तरफ सियासी समीकरणों को बनाने को लेकर कई तरह के चर्चा जरूर चल रहे हैं, लेकिन इस मौके पर 75वां गणतंत्र दिवस और तमाम जो नेता है वो इस मौके पर जो तिरंगा है उसे फहरा रहे हैं और सलामी देते नजर आ रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।